फ्राइडे स्पेशल शो दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव शो। आज शुक्रवार का दिन, रात्रि के 8 बज चुके हैं। हम आ गए हैं आपके पास, आपके साथ लेकर आपके संदेशों की सौगात। संदेश प्रधान कार्यक्रम है ये, तो लिख भीजिए अपने दिल की बात हमें। जो भी संदेश आप देना चाहते हो किसी एक दिल से अनेकों दिलों तक, या एक दिल, दो दिल, या विशेष दिल तक पहुंचाना चाहते हो, तो लिख भेजिए हमें अपने दिल की बात। हम पहुंचाएंगे आपके दिल की बात उन तक जिन तक आप पहुंचाना चाहते हैं। हमारा स्टूडियो नंबर 9911118119। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। नमस्कार साथियों, ये संदेश प्रधान कार्यक्रम होता है नए साथियों के लिए। हम बताए देते हैं संदेश प्रधान कार्यक्रम होता है साथियों, इसमें आप अपने दिल की बात, जो भी आप पहुंचाना चाहते हो, एक दिल, दो दिल, या अनेकों दिलों तक, विशेष दिल तक, अपने परिवार को, मित्र को, रेडियो धड़कन को, प्रकृति के नाम संदेश, कुछ भी आप लिख कर भेज सकते हैं। हाँ, सकारात्मक कुछ उपदेशात्मक बात लिखें तो ये जरूर तय हो कि आप उस बात को फॉलो अवश्य अवश्य करते हो, अन्यथा ना लिखिएगा। कोई चुटकुला भी लिख सकते हैं, कोई प्रेरणादायक छोटी सी ननी मुनी सी स्टोरी हो तो वो भी प्रेषित कर सकते हैं, कोई कविता आपको अच्छी लगती हो तो वो भी आप प्रेषित कर सकते हैं हमें। कोई भी आपके जो दिल में बसी हो बात, जुड़ी हो बात, वो प्रेषित कर सकते हैं। और साथियों, आज के दिवस विशेष से जुड़ी जानकारी भी प्रेषित कर सकते हैं हमें। उम्मीद है आप सबने अपने अपने संदेश रेडी कर लिए होंगे, तो भेज दीजिए हमें अपने संदेश। और हम देख रहे हैं लगातार बहुत सारे संदेश हमें प्राप्त अभी तक हो चुके हैं, तो देखते हैं पहला संदेश हमें किन साथी का प्राप्त हुआ है। हमारे साथी संदेश लिख रहे हैं पुराण अनुसार जब विष्णु जी ने पृथ्वी का उद्धार किया था तब वरह अवतार में नरकासुर पैदा हुआ, अतः ये पृथ्वी का पुत्र है। नरकासुर बाणासुर की संगति में पड़कर दुष्ट हो गया, जिस कारण ऋषि वशिष्ठ ने नरकासुर को विष्णु के हाथों मारे जाने का श्राप दे दिया। प्राग ज्योतिषपुर नगर का राजा नरकासुर नामक दैत्य था। उसने अपनी शक्ति से इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सभी देवताओं को परेशान किया, संतों को भी त्रास देने लगा, महिलाओं पर अत्याचार करने लगा। उसने 16,000 अविवाहित सुंदर कन्याओं को बंदी बना लिया। जब अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया तो देवता और ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें नरकासुर से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया, लेकिन नरकासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया तथा उन्हीं की सहायता से कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध कर देवताओं और संतों को आतंक से मुक्ति दिलाई। उसी की खुशी में दूसरे दिन अर्थात अश्विन मास की अमावस्या को लोगों ने अपने घर में दिए जलाए, तभी से नरक चतुर्दशी और दिवाली का त्योहार मनाया जाने लगा। इसे छोटी दिवाली तथा पोहे की दिवाली कहते हैं। जब 16,000 कन्याओं को कैद से आजाद करवाया, तत्पश्चात श्री कृष्ण ने उन लड़कियों को उनके माता पिता के पास जाने का निवेदन किया तो उन्होंने अस्वीकार कर कृष्ण से विवाह का प्रस्ताव रखा। तब श्री कृष्ण ने 16,000 लड़कियों का स्वरूप तुलसी जी में बदलकर तुलसी जी से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी पर शालिग्राम का रूप धारण करके विवाह किया, तो उसे बड़ी दिवाली कही जाती है। इसीलिए तुलसी विवाह के दिन तुलसी और शालिग्राम विवाह पूजन किया जाता है। बाद में यही कृष्ण की 16,000 पत्नियां एवं 8 मुख्य पटरानियां मिलकर 16,000 रानियां कहलाई। गोवा में तुलसी विवाह बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यता है कि तुलसी विवाह के बाद ही शादियों के साए निकलते हैं। तुलसी विवाह गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि राज्यों में, देश विदेश में मनाया जाता है। तो आज बड़ी दिवाली और तुलसी विवाह की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और ये हमारे साथी हैं जो इतनी सुंदर प्यारी जानकारी दे रहे हैं, श्याम सुंदर टांगसाली गोवा से। साथी बहुत सटीक जानकारी भेजी आपने। शुरुआत में जब हमने इस जानकारी को पढ़ना आरंभ किया तो हमें लगा कि हम कोई पिछला मैसेज तो नहीं पढ़ रहे, यानी कि कोई दीपावली का मैसेज जो हमने मिस कर दिया हो वो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन नहीं, आपने जो संदर्भ बताया पूरा वो
वृत्तांत पहले का बताना अति आवश्यक था। यदि आप नहीं बताते, नहीं लिखते, तो हमें पूरी बात का भान नहीं हो पाता। आपने तुलसी विवाह से जुड़ी जो सटीक जानकारी पेश की है, और विशेष तौर पर जो 16,000 रानियों का जो यथार्थ रूप है जो आपने जिक्र किया, क्योंकि कई बार ऐसा भी कह दिया जाता है, ये जो भ्रम भी है हमारे साथियों में कि 16,000 रानियां, हम एक मजाक में भी कह देते हैं ये बात, लेकिन वो जो सिचुएशन थी, उस सिचुएशन में क्या किया गया। सिर्फ 16,000 रानियां हमें शब्द याद रहता है, लेकिन उसके पीछे क्या बात थी, वो आपने जो सच्चाई यहाँ प्रकट की है, जो हर एक को नहीं पता, मुझे भी पूरी बात नहीं पता थी, ये बात बहुत हमें अच्छी लगी। लेकिन जैसे जैसे हमने आपका मैसेज पढ़ा, तो हम समझ गए कि ये तो आज के दिवस विशेष से कनेक्टेड है ये मैसेज। तो बड़ी दिवाली का आपने जिक्र किया, हमें तो सिर्फ दिवाली ही पता है, ये छोटी दिवाली बड़ी दिवाली की बात करते हैं हम, लेकिन आपने जिस तरह से जो बात बताई उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। साथ ही आपने जानकारी थोड़ी सी लंबी जरूर हो गई, लेकिन आपने बिल्कुल सच्ची सटीक जानकारी दी, ये बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम सुंदर टांगसाली मित्र गोवा से, आप सभी को बड़ी दीपावली, तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भाई, अब तुलसी विवाह होता है तो शादियों के साए भी आरंभ हो जाते हैं, तो शादियों की भी शुभकामनाएं। और हम यही कहते हैं हमारे जिन साथियों की शादियां नहीं हुई हैं और जिनके परिवारों में इंतजार है शादी का, वही उनकी मनोकामना भी लगता है इस सीजन में, हम तो मान लेते हैं कि पूरी जरूर हो जाएगी, और बस अभी साए निकलने वाले हैं, मतलब शुरू हो गए हैं शादियों के, तो बस जल्दी से कुछ ना कुछ रिंग सेरेमनी का फंक्शन या जो भी होता है प्रथम, जो एक मंगल कार्य होता है, वो जरूर हो जाए। हम ये शुभकामनाएं देते अगले संदेश की ओर बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम सुंदर टंगसाली मित्र। अगला संदेश जिन साथी का प्राप्त हुआ है, लिख रही हैं आदरणीय नीता मैम जी, सलाम आदाब। सलाम आदाब जी, आज के दिन तो हम पूरा सलाम आदाब नमस्ते पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं, बाकी दिनों में नहीं पढ़ते, कट कर देते हैं उसे, जानते हैं हमारे साथी ये बात। तो चलिए पढ़ते हैं इनका संदेश। आज दिल से दिल तक प्रोग्राम में काफी दिनों बाद जुड़ा हूँ, वजह घर की मसरूफियत। इस खास प्रोग्राम के जरिए अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ कि मोहब्बत करो पर किसी से मोह उम्मीद मत करो, क्योंकि उम्मीद हमारी दुख की वजह बनती है। जब दरख्त के पुराने पत्ते झड़ते हैं तो नए पत्तों के साथ सज संवर कर वो दरख्त खुद के साथ साथ सबको खुशी फराहम करता है। ऐसे में हमें नई चीजों को और नए बदलावों को कबूल करना चाहिए, क्योंकि बदलाव दुनिया का उसूल है। हमें आखिरी दम तक कुछ न कुछ नया सीखते रहना है। दरख्त हमें साया देते हैं, फल देते हैं, मिठास देते हैं, फूल हमें खुशबू देता है। इन सब बातों से हमें ये एहसास होना चाहिए कि जिंदगी किस तरह से किस पल जिया जाए, फूलों की खुशबू बनकर या दरख्त की कली बनकर। यही सब बातें असल जिंदगी को दर्शाता हुआ, यहीं पर अपनी बात को विराम देता हूँ आपका ज्यादा समय ना लेते हुए। साथी, बहुत सुंदर आपने बात लिखी, आप हमारे दो साथी हैं, ये बातें बहुत प्यारी बातें लिखने वाले, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, और मंगल बाजार कटिहार से रफी रहमान और बेगम शमा रफी। साथी, बहुत सुंदर आपका संदेश, वाकई ये हमें ही तय करना होता है कि जीवन का हर पल हमें कैसे बिताना है। देखिए, परेशानी जो है हमारी जिंदगी का कहिए कि अटूट हिस्सा है। यदि खुशी आएगी तो साथ ही कुछ ना कुछ परेशानी भी जरूर लेकर के आएगी, लेकिन धीरज धरना, सहज रहना, हर बात में सहज रहने की आदत जब हम डाल लेंगे तो जीवन काफी हद तक हमारा आसान हो जाएगा। और गुस्सा है या किसी को धोखा देना है, झूठ बोलना है, गलत बातें बोलने, उन सब से बिल्कुल टोटल परहेज रखना चाहिए। हमें जैसे डॉक्टर कहते थे ना कि भाई ये चीज का बिल्कुल सेवन नहीं करना, जहर है, तो बस ऐसे ही अगर हम मान लें कि हमें डॉक्टर ने कहा है और डॉक्टर की बात मान लें हम, क्योंकि कई साथी तो मानते भी नहीं है ना, डॉक्टर कहते हैं गोलगप्पे नहीं खाना, हम गोलगप्पे खा लेते हैं ऐसा भी होता है। तो भाई, ये बातें हमें खुद ही जाननी है, खुद ही माननी है। साथी, बहुत सुंदर संदेश आप दोनों साथियों का, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऐसे प्यारे सुंदर संदेश के लिए। अगला
क्या संदेश प्राप्त हुआ है हमारे साथी लिख रही हैं बहन नीता जी, सादर प्रणाम। प्रणाम जी लिख रही हैं, एक समय था फिल्मी दुनिया में नाम सुनते ही लोग हंसते थे, वो नाम था टुनटुन। टुनटुन नाम सुनते ही गोल मटोल काया और हंसता मुस्कुराता चेहरा आंखों के सामने नाच उठता है। कितने बरस गुजर गए लेकिन टुनटुन का नाम सुनते ही बरबस होठों पर एक मुस्कान तैर जाती है। टुनटुन को बॉलीवुड की पहली सबसे सफल महिला कॉमेडियन कहा जाए तो गलत ना होगा। उस दौर में अपनी कॉमेडी से उन्होंने जो ख्याति अर्जित की उतनी ख्याति किसी अन्य महिला कॉमेडियन को हासिल नहीं हुई। टुनटुन नाम इतना मशहूर है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका वास्तविक नाम टुनटुन नहीं बल्कि उमा देवी था। उनकी कॉमेडी पर लोटपोट हंसने वालों में से बहुतों को शायद ना पता हो कि ये पहले गायिका थी और कॉमेडियन बाद में। बीते दौर का लोकप्रिय गीत अफसाना लिख रही हूँ उनकी ही सुरीली आवाज में था। टुनटुन उर्फ उमा देवी को अपने पूरे धड़कन परिवार की ओर से शत शत नमन। साथ ही जैसा कि हम जिक्र करते हैं कि आज के दिवस विशेष या इन दिनों के दिवस विशेष से जुड़ी कोई जानकारी आप भेज सकते हैं तो हमारे इन साथी ने बिल्कुल वैसा ही किया है। जी हाँ, आज 24 नवंबर का दिन है। 24 नवंबर को वर्ष 2003 में 80 वर्ष की आयु में उमा देवी उर्फ टुनटुन ने हमसे अंतिम विदा ली थी। पहले गायिका रही थी, हमारे साथी ने बिल्कुल प्यारी सटीक जानकारी दी, और बाद में ये एक्टर बनी। 1946 से लेकर 1990 तक का इनका जो फिल्मों में सफर है वो सक्रिय सफर रहा। बहुत से गीत इन्होंने गाए और वो गीत भी बहुत ही लाजवाब गीत है। एक गीत कार्यक्रम में अवश्य सुनवाएंगे हम उमा देवी की आवाज में। और ये प्यारे साथी हैं हमारे जिन्होंने इतना प्यारा सटीक आज के दिवस विशेष से जुड़ा संदेश भेजा है, ये सबसे अच्छी बात लगी। आप हैं दहीगांव नादुरा से दोंडू भातुरकर, मंगला भातुरकर और विवेक कुमार भातुरकर। मित्र आपका बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष धन्यवाद कि आज के दिवस विशेष से जुड़ी जानकारी आपने शेयर की है। आज वैसे अमोल पालेकर का भी जन्मदिन है, हमने कुछ गीत भी उनके आपको सुनाए। और एक और ओल्ड गोल्ड अदाकार है जिनका गीत एक मैंने बिल्कुल शेड्यूल किया हुआ है आपको सुनवाने के लिए, नाम नहीं बताऊंगी अभी उनका। खुलासा यहाँ हुआ उमा देवी जी का और अमोल पालेकर जी की बात बताई, एक तीसरे भी है। तो आज के दिवस विशेष से जुड़ी कोई जानकारी कोई बात भी आप शेयर कर सकते हैं। साथियों, इंस्टेंट प्रोग्राम का यही अर्थ होता है कि कुछ ऐसी बात भी आप शेयर कर सके कि जो दिवस विशेष से जुड़ी हो। बहुत बहुत धन्यवाद ढूंढू भातुरकर मित्र आपके प्यारे संदेश के लिए, बहुत सटीक आपने संदेश लिख भेजा। कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं हमारे साथी जो संदेश लिख रहे हैं, क्या पढ़ के बताते हैं, लिखते हैं जी। अच्छा नमस्कार, मैं वो अपना नाम लिख रहे हैं तो भाई हम ऐसे ही पढ़े देते हैं क्योंकि आज तो चिट्ठी पत्री का प्रोग्राम है ना, तो उस तरह से पढ़ना अच्छा भी लगता है, ऐसा लगता है खत पढ़ रहे हैं हम। बहन नीता जी और रेडियो धड़कन के सभी मित्रों को, सूरत गुजरात से कांतिलाल और लता करगतला का पूरे परिवार को, पूरे परिवार की तरफ से पूरे परिवार को सब प्रेम नमस्कार। नमस्कार जी सबकी तरफ से आपको भी। आगे लिखते हैं, कल देव उठनी एकादशी थी, सभी मित्रों को शुभकामनाएं। इस दिन का विशेष महत्व है, इस दिन देव उठ गए हैं तो शादी या कोई भी शुभ कार्य के लिए उचित दिन और तिथि मुहूर्त निकलवा लेने की इसी दिन से शुरुआत हो जाती है। तुलसी विवाह मनाया जाता है। हमारे यहाँ जूनागढ़ गुजरात में गिरनार पर्वत की लिली यानी हरी परिक्रमा जो सालों पुरानी परंपरा है इस दिन से आरंभ होती है, जो करीब 5 दिन जंगल के रास्ते पैदल चलते हुए पूरी होती है। बारिश के मौसम के बाद गिरनार की पहाड़ियाँ और तलहटी हरी भरी हो जाती है, पर्वत के चारों ओर हरियाली छा जाती है, इसलिए इसे लिली परिक्रमा कहा जाता है। चलते चलते रास्ते में रात रुकने और सोने के अलावा भोजन की व्यवस्था सेवाभावी संस्थाओं द्वारा की जाती है। परिक्रमा पूरी होने के बाद जंगल रास्ते में फैली गंदगी और कचरे की सफाई भी इसी सेवाभावी संस्था द्वारा की जाती है। ये जंगल गिर सिंहों का निवास स्थान भी है। इस परिक्रमा में लाखों लोग, छोटे बड़े जवान से लेके कई बुजुर्ग महिलाएं पुरुष सब शामिल होते हैं। कुदरती माहौल का
लुत्फ उठाने वास्ते आप भी शामिल हो सकते हैं। तो ये जानकारी आज मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जैसा कि हम कह रहे हैं कि उस दिवस विशेष से जुड़ी जानकारी, तो आपने बिल्कुल उसी तरह की जानकारी लिख भेजी है। बहुत बहुत धन्यवाद कांतिलाल करगतला मित्र आपका इतनी प्यारी सुंदर जानकारी देने के लिए। और आगे लिख रहे हैं कि एक गीत है, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। नूतन और मनीष पर ये गीत अभिनीता, और इसी गिरनार पर्वत जिसका मैंने जिक्र किया है अभी, इसी गिरनार पर्वत की सीढ़ियों पर फिल्माया गया था। भाई क्या बात है, तो बहुत सुंदर आपने जिक्र किया अपनी जगह का, बहुत अच्छा लगा। आपने एक इंस्टेंट जानकारी प्रस्तुत की। बहुत बहुत धन्यवाद कांति लाल करगतला मित्र आपकी जानकारी के लिए। तो चलिए साथियों, यहाँ आपको एक गीत सुनवाई देते हैं, और गीत भी आज के दिवस विशेष से जुड़ा आपको सुनवाते हैं। अभी जिक्र हुआ था उमा देवी उर्फ टुनटुन, उन्हीं की आवाज से सजा ये गीत सुनवाते हैं। बहुत ही सुंदर गीत अभी हमने सुना उमा देवी की आवाज से सजा आज इनकी पुण्य स्मृति। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, संदेशों के सिलसिले को जारी करते हैं, और अब देखते हैं किन साथी का संदेश अगला हमें प्राप्त हुआ है। लिख रहे हैं हमारे ये साथी की दीदी नमस्ते, दिल से दिल तक इस प्रोग्राम में आपका दोस्त धनंजय वाघ, गंगापुर तालुका जिला संभाजी नगर से। नमस्ते मित्र आपको भी। आगे लिखते हैं हमारे ये साथी, मेरी बेटी योगिता, उनको बेटा हुआ है, और दूसरा
सबको शुभकामनाएं दिनाच्य व आपले इस प्रोग्राम से आपका रेडियो मित्र परिवार का धनंजय वाघ। अब आपने ये आपला और वो दिनाच्य लिखा ना आपले, ये मुझे समझ में नहीं आया। दिनाच्य तो दिन कुछ समझ में आया है मुझे, लेकिन हाँ जो समझ में आया है वो ये है कि जो आपकी बिटिया है उनको बेटा हुआ है, तो भाई बिल्कुल बिल्कुल बधाइयां ही बधाइयां बनती हैं भाई आपके पूरे परिवार को, बिटिया को, बिटिया के पूरे परिवार को। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप एक और रिश्ते में बंध गए हैं। जी हाँ, अब नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा जो बेबी है आपको तंग भी करेगा, आपका दिल भी बहलाएगा। बच्चे तो घर का खिलौना होते हैं, वाकई बहुत खुशी की बात है। मित्र धनंजय वाघ, आपने ये जानकारी हमसे साझा की, ये शुभ जानकारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को यानी पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाइयां, ढेरों ढेरों शुभकामनाएं एक नए मेहमान के आने के लिए। अगला संदेश हमारे साथी का जो लिख रही है, नीता जी नमस्कार, आज दिल से दिल तक मैं पति से लड़ाई के बाद पत्नी के 5 एक्शन पेश कर रहा हूँ। अच्छा जी, क्या एक्शन हो सकते हैं? पढ़ते हैं दिल थाम लीजिए, कौन से एक्शंस आने वाले हैं। और ये भी सोचिएगा आपके साथ इन 5 एक्शंस में से कौन सा होता है, कौन सा नहीं होता है, या जो भी अभी तक नहीं हुआ वैसे आगे भी हो सकता है ना, ये भी तो बात होती है ना। तो चलिए बताते हैं कौन से 5 एक्शंस का जिक्र कर रहे हैं। दिल से दिल तक में पति से लड़ाई के बाद पत्नी के 5 एक्शंस का जिक्र पेश कर रहा हूँ, ये लिखा है उन्होंने, पेश कर रहा हूँ। तो चलिए जो ये पेश कर रहे हैं पढ़ते हैं। नंबर 1, पति के पास से ऐसे गुजरेंगी जैसे बुलेट ट्रेन। नंबर 2, बच्चों को इतनी जोर से गुस्सा करेंगी जैसे प्रचार वाली गाड़ियों, ओह माय गॉड। नंबर 3, बर्तन जोर की आवाज के साथ रखेंगी। नंबर 4, बच्चों और अपने कपड़े ऐसे समेटेंगे जैसे अभी मायके जा रही हैं। नंबर 5, सब्जी वो बनाएंगे जो पति को बिल्कुल बिल्कुल पसंद ना हो। अब देख लीजिए साथियों कि इनके साथ क्या क्या होता है, हो चुका है। और ये साथी जो हैं ये सोच रहे हैं कि हमारे साथ तो इन 5 में से कुछ भी नहीं हुआ है, आगे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कुछ भी सब कुछ संभव है। श्रीमती जी सब कुछ संभव करवा देती है। साथ ही आपने कहा तो सही है, वैसे कभी कभी मैं भी इनमें से 1-2 एक्शन कर लेती हूँ। बहुत सुंदर बात, और बहुत ही मर्यादित तरीके से आपने जिस तरह से पेश की वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कोई भी देखिए मजाक हो, हंसी हो, एक मर्यादित उसका तरीका हो तो वो बेहतर रहता है। और आपने बहुत ही एक मजाहिया अंदाज में अच्छे तरीके से इस बात को रखा, हमारे चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। और ये साथी है, हाँ ये साथी, इनके साथ ऐसा जरूर हुआ होगा, मुझे लग रहा है एक्सपीरियंस होल्डर है इसलिए लिखा है इन्होंने। आप है, नाम बताए देते हैं जी, कानपुर से अजीत भाटिया, अरविंदर भाटिया का संदेश है। तो अजीत भाटिया जी, हुआ है तो हम ये कहेंगे कि भाई ना हो आपके साथ ऐसा, और किसी के साथ भी ना हो ऐसी बातें, लेकिन आपने जिस तरह से मजाहिया अंदाज में पेश की बातें हमें बहुत अच्छा लगा। अजीत भाटिया मित्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कुछ हंसी मुस्कुराहट प्रेषित करने के लिए। हमारे साथी ने लिखकर भेजा है, नमस्कार नीता जी नमस्कार, बस यूं ही रेडियो धड़कन प्यार बांटता रहे यही शुभकामनाएं। प्रेम सुधा में डूब कर रहा न कोई भान, प्रेम सुधा में डूब कर रहा न कोई भान, राधे राधे कर रहे स्वयं कृष्ण भगवान। वाह, बहुत खूब, बहुत सुंदर आपने लिख करके दिया। आप हमारे साथी हैं मनीष बाजपेयी, बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से, बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। हमारे एक साथी कुछ शायरी लिख करके भेज रहे हैं, लिखते हैं, जरा सी जिंदगी है अरमान बहुत हैं, जरा सी जिंदगी है अरमान बहुत हैं, बहुत हैं हमदर्द नहीं है कोई इंसान बहुत हैं, दिल के दर्द सुनाए किसको, जोसन जो दिल के करीब है वो अनजान बहुत है। क्या बात है जी, क्या बात है, हमारे ये साथी भी बिल्कुल शायर हो गए हैं। वो सॉन्ग है ना, मैं कहीं कवि ना बन जाऊं तेरे प्यार में ए कविता, हमारे एक साथी ने लिख करके भी दिया था पिछले दिनों कि रेडियो धड़कन के प्यार में हम कविता के प्यार में तो नहीं, रेडियो धड़कन के प्यार में कविताएं जरूर लिखने लगे हैं, शायरी लिखने लगे हैं, अच्छा गाना गाने लगे हैं, अच्छे संदेश बेहतर तरीके से लिखने लगे हैं। साथी बहुत बहुत धन्यवाद। और जोशन जी, आपने पहली बार लिख करके भेजा है इस तरह से, बहुत अच्छा लगा इनका संदेश। दिल से दिल तक नमस्ते नीता बहन, आप हैं चक 15 PS जिला श्री गंगा जी गंगानगर राजस्थान से, सर्वजीत सिंह जोशन, सर्वजीत कौर और जोशन रोबिन। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, बहुत अच्छा लगा, छोटी सी ननी मुनी शायरी आपने लिख करके भेजी। इसी तरह से लिख
कर भेज सकते हैं हमारे साथी। कोई शायरी उन्हें पसंद आती हो या कोई लेखक हो, कवि हो, उनकी कोई रचनाएं आपको पसंद हो तो लिख करके भेज सकते हैं हमें, बिल्कुल लिखकर भेज सकते हैं। तो साथियों के लिए बना रहे हैं, जो बता रहे हैं, आइडियाज बता रहे हैं, जो ये सोचते हैं अरे क्या लिखूं ऐसा जो सोच रहे हैं, साथी जुड़ चुके हैं, लिख रहे हैं। हम एकदम साफ सुथरा और अच्छी क्वालिटी का गुड़ बनाते हैं। अच्छा, ये गुड़ बनाते हैं हमारे साथी, ये तो बहुत अच्छी बात है। और हमारा काम गुड़ का ही है। हम अपने साथियों से कहना चाहेंगे कि वो चीनी का प्रयोग ना करें, गुड़ का प्रयोग करें चाय में, दूध में, चाय और दूध में, जिसका जो स्वाद है ना और भी बढ़ जाता है। और पौष्टिक दृष्टि से भी देखा जाए तो गुड़ ज्यादा उपयोगी होता है। और लिखते हैं कि अब तो सर्दियों का मौसम भी आ गया है, गुड़ तो यूं तो 12 महीने इस्तेमाल करो, लेकिन सर्दियों के महीनों में यदि गुड़ का इस्तेमाल किया जाए, जो लोग ये सोच के डरते हैं कि भाई मीठा है कुछ है, लेकिन जो कुदरती मीठा होता है, जो इस तरह की चीजों से, गन्ने से बना हुआ होता है डायरेक्ट, तो वो बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता। तो आप गुड़ की चाय पिए, गुड़ का सेवन करें, खाना खाने के बाद गुड़ अवश्य खाएं। तो अगर आप गुड़ का सेवन करेंगे तो आपका जो शरीर है ना बिल्कुल बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो लिख रहे हैं कि गुड़ का सेवन कीजिए, निरोगी रहिए, रेडियो धड़कन सुनते रहिए, और दिल से दिल तक कार्यक्रम हमें बहुत भाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो साथी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका संदेश भी बहुत कम हमें प्राप्त होता है, लिखते हैं आप, लेकिन हमें पता है आप साथ में ये भी लिखते हैं कि हाँ मैं बहुत संदेश नहीं भेजता हूँ, लेकिन आज आपने जो छोटा सा गुड़ वाला संदेश लिखा हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। और ये हमारे साथी हैं आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मैं राजा। बहुत बहुत धन्यवाद ताज मोहम्मद अंसारी मित्र, आपके प्यारे मीठे मीठे रसीले गुड़ वाले संदेश के लिए। हमारे एक साथी हैं, वो क्या लिख रहे हैं, हाय हेलो नीता जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये हैं आसिफ, कहां से, इन्होंने जगह का नाम नहीं लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद मित्र आपका। और ये साथी हैं जो एक संदेश लिख रहे हैं, तो देख लेते हैं इनका संदेश। अगला संदेश प्राप्त हुआ है हमें जिन साथी का, लिख रहे हैं ये साथी कि रेडियो धड़कन में नीता बिटिया, ललित भैया और पूरे धड़कन परिवार को मैं सादर नमन करता हूँ। नमन जी आपको भी। दोस्तों दिल से दिल तक का कार्यक्रम अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है, क्योंकि इस कार्यक्रम में हमें एक से एक संदेश श्रोताओं द्वारा प्राप्त होते हैं, बहुत ही सुंदर संदेश शामिल होते हैं जो हमारे साथी भेजते हैं, और कई जानकारियां प्राप्त होती हैं, इंस्टेंट जानकारियां जिन्हें हम कहते हैं। ऐसा लगता है ये कार्यक्रम बस चलता ही रहे, बहुत अच्छा लगता है हमें। एक फिल्म आई थी दूल्हे राजा, फिल्म में गीत गोविंदा और कादर खान के ऊपर फिल्म आ गया था, उस गाने के बोलते कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। दरअसल ये कहावत है जो कि बरसों पुरानी कहावत है, इस बारे में चर्चा करता हूँ। ये कहावत कहां से आई, किसके द्वारा आई, या इसकी प्रथा का प्रचलन कैसे हुआ, इसके बारे में कुछ जानकारी हमें जो मिली है वो मैं आपके सामने आपसे शेयर कर रहा हूँ। करीब 1000 वर्ष से भी ज्यादा साल पहले सन 980 में एक भुज परिवार में एक राजा का जन्म, जो कि चक्रवर्ती महाराजा विक्रमादित्य की नगरी उज्जैन में हुआ था। ऐसा भी सुना जाता है कि ये राजा विक्रमादित्य के वंशज रहे। इनकी कहानी तो कुछ लंबी है, परंतु छोटे रूप में जानकारी दे रहा हूँ। राजा भोज मालवा के राजा थे, उन्हें उस समय उनकी राजधानी धार हुआ करती थी, जो आज MP में है, मध्य प्रदेश में। करीब 15 वर्ष की उम्र में राजा भोज मालवा के राजा का राज्याभिषेक हुआ। शुरू से ही पराक्रमी, वीर, बहादुर, ताकतवर राजा रहे। उन्होंने कई राजाओं को युद्ध में परास्त किया। भोपाल शहर भी इसी राजा की देन है। पहले इस शहर का नाम भोजपाल हुआ करता था, बाद में इसका नाम परिवर्तित करके भोपाल रखा गया, जो आज MP में है। उन्हीं दिनों एक ऐसे दो राजा थे जिनका नाम कलचूरी नरेश गंगीय, उपनाम गंगू, और दूसरे नाम राजा का था चालुक्य नरेश तेलंग, यानी कि तेली। इन दोनों राजाओं को राजा भोज ने युद्ध में बुरी तरह परास्त किया। उसे युद्ध के बाद ये नाम प्रसिद्ध हो गया, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। यद्यपि ये दोनों नाम अलग अलग गंगू और तेली, परंतु दोनों को मिलाकर ये गंगू तेली हो गया। आज भी ये कहावत प्रचलित है। राजा भोज ने भारत में कई धार्मिक स्थल मंदिरों का निर्माण किया, जैसे कि गुजरात का ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर, उज्जैन का ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर, उत्तराखंड में केदारनाथ, रामेश्वरम, और भी कई धार्मिक स्थलों का निर्माण करवाया, और बहुत से ऐसी जगह है। दोस्तों राजा भोज की जीवनी बहुत ही लंबी है, जो कि लिखते लिखते शायद मेरी कलम भी थक जाएगी, इसलिए संक्षिप्त रूप में आपको मैंने जानकारी दी। ललित भैया और नीता बिटिया का आभार प्रकट करूंगा कि मेरे संदेश को आप सभी श्रोताओं तक पहुंचाया। श्रोता भाइयों को मैं धन्यवाद दूंगा जिसने उन्हें हमारा संदेश सुना, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका
श्रोता अशोक कुमार केसवानी रायपुर छत्तीसगढ़ से। मित्र, एक बिल्कुल अलग तरह की आपने जानकारी दी है, बहुत अच्छी बात है कि आप इस तरह की जो जानकारी भी दे रहे हैं, इससे हमारा ज्ञान वर्धन होता है। मुझे भी ये बात पूरी तरह से नहीं मालूम थी, ये तो पता है कहाँ गंगू तेली और इस तरह से राजाभोज बोला जाता है, लेकिन जो एक्चुअल आपने बताया ये छोटी सी स्टोरी इस तरह में, ये क्या थी ये नहीं पता। तो ये स्टोरीज हमें छोटी छोटी पता होनी चाहिए, ये सारी बातें। ठीक है, सारा ज्ञान तो अर्जन हम इस दुनिया का नहीं कर सकते, लेकिन जो हम पता कर सकते हैं, जो हम जान सकते हैं, जो आपस में हम सुरीले परिवार के माध्यम से कर सकते हैं, वो तो हम कर ही सकते हैं। तो इस तरह के साथियों जानकारियां भी जरूर जरूर भेज दिया कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक केसवानी मित्र, नई जानकारी पुरानी जानकारी हमारे लिए नई इसको प्रस्तुत करने के लिए, शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक साथी लिख रहे हैं, प्रिय मित्र नेताजी हार्दिक नमस्कार। नमस्कार मित्र आपको भी। लिख रहे हैं, दिल से दिल तक एक मनोरंजक और शिक्षा प्रद कार्यक्रम है, बहुत सारे संदेशों के द्वारा हमें बहुत सारी जानकारी भी प्राप्त होती है और प्रेरणादायक जो बातें हैं वो हमें पता चलती है। और जब हम ऐसी बातें सुनते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे दिमाग में, दिल में जरूर जरूर बसती हैं और वो बातें याद आती हैं। कुछ ऐसी बातों की हमें वो काम नहीं करना, नहीं बोलना, तो हमें ध्यान आ जाता है। तो अगर हम बातें इस तरह से शेयर करते हैं, सुनते हैं, तो ये जो प्लेटफॉर्म आपने रखा है रेडियो धड़कन पर दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव शो का, ये बहुत ही सुनहरी कहिए कि ये कार्यक्रम है। और ये कार्यक्रम हम सभी श्रोताओं को बहुत बहुत अच्छा लगता है। लिख रहे हैं कि ये कार्यक्रम शुरू करके आपने बहुत अच्छा किया, वक्त की कमी के कारण आज इतना ही लिख डाला। और आप हमारे साथी हैं कठमंडू नेपाल से गणेश प्रसाद हुजदार मित्र। मित्र कोई बात नहीं, जितना भी आपने लिखा बहुत अच्छा, सुंदर, सटीक लिखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गणेश प्रसाद हुजदार मित्र। अगला संदेश लिखते हैं हमारे साथी कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता साथी को मेरा जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा जी आपको भी। कार्यक्रम दिल से दिल तक हम सभी श्रोता साथियों के दिलों तक पहुंच चुका है। यदि कोई श्रोता साथी अपने दिल की बात को कहीं शेयर नहीं कर सकता, तो उसे इस कार्यक्रम में बिल्कुल शेयर कर सकता है। इस बार मेरा ये निवेदन है कि सर्दियों का मौसम आ गया है और अपने स्वास्थ्य का हम सभी ख्याल रखें, क्योंकि बदलता जो मौसम होता है वो हमें दुख देता है, कभी कभी परेशान करता है, तो ये जरूर मैं कहूंगा। और साथ ही एक बात और कहूंगा, हमारे कई साथी कई बार कहते पाए जाते हैं कि भाई हमें जो ये लिंक है कई बार ये हमें नहीं हम डाउनलोड कर पा रहे हैं, तो उनसे सभी से कहूंगा कि लिसनिंग लिंक एक होता है जो हमें हमें दिया गया है वो भी, तो उस लिसनिंग लिंक पर, खासतौर से ये मैं उन साथियों के लिए बोल रहा हूँ जो आईफोन का इस्तेमाल करते हैं या जिनके पास फ़ोन नहीं है, कंप्यूटर है या लैपटॉप है, वो वहाँ पर कैसे सुने, तो जो लिंक होता है उसको गूगल के माध्यम से उसको कॉपी पेस्ट करके वो कहीं भी हम सुन सकते हैं, चाहे वो हम आईफोन पे सुन सकते हो या लैपटॉप पे, कंप्यूटर पर, कहीं भी, बस गूगल लिखा आना चाहिए और गूगल पर आप प्रेषित लिंक को कॉपी पेस्ट कर दें तो सुन सकते हैं। तो ये आज जो बात है मैं कहना चाह रहा हूँ सभी साथियों से। तो जिनके पास आईफोन है या फोन नहीं है, लैपटॉप या कंप्यूटर है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, वो रेडियो धड़कन बिल्कुल बिल्कुल सुन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथी ये बात कहने के लिए। हम तो जो साथी हमें कहते हैं ऐसा तो हम उनको बताते भी हैं ये बात, लेकिन आपने आज अपने संदेश के माध्यम से ये बात बता दी। आप है हमारे साथी नेपानगर एमपी से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर कुशल और परिवार के सभी सदस्य, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों ये जानकारी साझा करवाने के लिए। हमारे साथी संदेश दे रहे हैं कि मोहतरमा नीता दी बेशुमार यादें और सलाम। सलाम जी आपको भी। लिखते हैं, आज सुनहरे दौर की खूबसूरत गायिका उमा देवी उर्फ टुनटुन जी की पुण्य स्मृति है। मैं उन्हें दिल से दिल तक प्रोग्राम के जरिए खिराज अकीदत पेश करता हूँ। ये बात थी दिल से की, अब आइए चलते हैं दिल तक। अच्छा, दिल से की बात थी, अब दिल पर चलते हैं, क्या बात है, लफ्जों का हेर फेर जबरदस्त, कमाल, बेमिसाल। लिख रहे हैं, आज दिल से दिल तक प्रोग्राम के जरिए मैं अपने सभी दोस्तों से ये कहना चाहता हूँ कि पीपल के पत्ते जैसा ना बनो जो वक्त आने पर सुख सुख कर गिर जाता है, बनना है तो मेहंदी के पत्ते जैसा बनो जो पीस कर भी दूसरों की जिंदगी में रंग भर देते हैं।
साथी ऐसे ऐसे संदेश कहाँ से लाते हो, और हमें उम्मीद है कि आप इन बातों को बिल्कुल जानते मानते फॉलो करते होंगे, तभी लिख करके भेज रहे हैं। और बिल्कुल ठीक लिखा कि पीपल के पत्ते जैसे बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, सूख कर वो तो गिर जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, और मेहंदी के जो पत्ते होते हैं वो तो पिस पिस कर भी दूसरों की जिंदगी में रंग भर देती है, शुभ मंगल कारज करवाती है, वो मेहंदी शुभ कहलाती है मेहंदी। बहुत अच्छा संदेश आपका, और ये प्यारा संदेश भेजने वाले हैं मंगल बाजार कटिहार से रफी रहमान और बेगम शमा रफी, साथ ही इनके मित्र रियासत हुसैन सिद्दीकी और नजमा बेगम जसपुर उत्तराखंड से। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। और बिल्कुल हम सभी को ये बात ख्याल रखनी है कि बिल्कुल मेहंदी जैसे पत्ते बनने हमें, पीपल के पत्ता बिल्कुल नहीं बनना। कार्यक्रम में बढ़ते हैं अगले संदेश की, और उससे पहले बता दें हमारे नए साथियों के लिए जिन्होंने अभी अभी सुनना आरंभ किया है रेडियो धड़कन से, इस समय आप सुन रहे हैं दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव शो, जहां इंस्टेंट शब्द लग जाता है तो बस तभी के तभी जुड़ना होता है वहां पर। तो हमारे श्रोता साथी संदेशों के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आज संदेश प्रधान कार्यक्रम है, गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम कतई नहीं है। तो हमारे नए साथी जान रही है बात, संदेश भेज सकते हैं, जैसे कि हमारे अन्य साथी भेज रहे हैं, और बीच बीच में हम बताते भी रहते हैं कि कैसे संदेश भेजें, और बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि कैसे क्या। तो YouTube पर भी हमारे कार्यक्रम उपलब्ध होते हैं, तो वो कार्यक्रम आप सुन करके देख सकते हैं कि रेडियो धड़कन पर किस तरह के शोज रोज जाते हैं और कैसे आप भाग ले सकते हैं, और बाकी जानकारी भी किसी श्रोता साथी से या हमसे कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, और आ गए हैं धड़कन के सितारे, अब लिख कर दे रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ मैं नहीं बोल रही हूँ, जो लिख रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं। लिख रहे हैं जी, आ गए धड़कन के सितारे, एक मीठा हसगुल्ला लेकर, इसमें लिखी हुई सभी बातें पूरी तरह से काल्पनिक एवं मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी गई हैं। क्या बात है, ये सूचना पहले ही दे दी, जैसे कि आमतौर से लिखा हुआ आता है ना, वो सीरियल्स वगैरह आते हैं इस तरह की चीजें अच्छा किया लिख दी, कहीं कोई सच्ची समझ लेता तो। वैसे ऐसी कोई बात नहीं, अगर सच समझ ले तो समझ ले, कोई बात नहीं लिख रहे हैं आगे, स्कूल में बड़े अधिकारी स्कूल की जांच करने आए, तो रीता दीदी जी से पूछा रीता दीदी जी आ गई यहाँ पर सबसे पहले, चलिए जी दोबारा से पढ़ते हैं। स्कूल में बड़े अधिकारी स्कूल की जांच करने आए, तो रीता दीदी जी से पूछा कि आप बच्चों को कैसी शिक्षा दे रही हैं। दीदी जी ने कहा, मेरी भागदौड़ में कोई कमी नहीं है, आपको यकीन ना हो तो आप खुद ही पूछ लीजिए। अधिकारी, ठीक है। सबसे पहले सतीश रघुवंशी जी से पूछा, सतीश बेटा शिव जी का धनुष किसने तोड़ा। सतीश जी कुछ सोचने लगे और बोले, हाँ याद आया, मैं बिजली के खंभे पर लाइन की फॉल्ट सही करने के लिए चढ़ा था, तभी बिजली के चमकने और गरजने की आवाज सुनाई दी थी, मैं समझा हो सकता है कि बिजली की लाइन में फॉल्ट की वजह से ऐसा हुआ हो, लेकिन मैंने देखा नहीं है तो सही तौर पर नहीं बता सकता। अच्छा समीर बेटा तुम बताओ। समीर, मैं खजूर के पेड़ पर चढ़ा था, आवाज बहुत जोर से सुनाई दी मुझे, मैंने अपना बड़ा दिमाग लगाया कि हो सकता है किसी साइकिल का टायर फट गया हो, मेरी आमदनी का कुछ जुगाड़ बन गया हो। अब आप बता रहे हैं कि धनुष टूट गया है, हो सकता है टूट गया हो, पर मुझे मालूम नहीं है। अच्छा जयंती बेटा तुमको तो जरूर पता होगा, बड़ी जानकारी रखते हो तुम। जयंती बोले, बीच में ही जयंती बोलते कुछ इसे पहले ही भाई को, भाई जो है ना सूरत वाले, वो बोल पड़े, इनको कहाँ से मालूम होगा, जब इतने बेलन टूटते हैं तब तो इन्हें पता नहीं चलता, धनुष टूटने का इनको कहाँ से पता चलेगा। अब अधिकारी बोले, अच्छा ठीक है तो तुम बताओ। भाई को बोले, मैं झूले पर झूल रहा था, आसमान में एक धनुष बना था, उसको देखा था, माँ की मालूम नहीं किसने तोड़ा। अब अधिकारी बोले, कुलदीप जी आप बताइए, आपको तो मालूम होगा, आप तो बहुत होनहार बच्चे हैं। कुलदीप बोले, जिस समय टूटने की आवाज हुई थी उसी समय मेरी दुकान से एक समोसा नीचे गिर गया था, और गिरकर वो टूट गया, तो मैंने सोचा इतनी तेज आवाज समोसे से कैसे आ सकती है, अब बात समझ में आई कि धनुष किसी ने तोड़ा है। फिर अधिकारी ने रीता दीदी जी से पूछा, आप बच्चों को कैसी शिक्षा देती हैं? बच्चों को ये भी नहीं मालूम कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा। दीदी जी ने कहा, सारा दिन तो रेडियो धड़कन सुनते हैं, पढ़ते लिखते नहीं है। इन धड़कन के सितारों में सबसे नटखट मुन्ना जी हैं। ये शैतानी जरूर जरूर और जरूर उन्हीं की होगी, बहुत शैतान है वो कह देते हैं बस बाकी सब ठीक है और आगे बढ़ जाते हैं, वो उन्हीं ने की होगी, और वो क्लासेस भी बहुत बंक करते हैं, तो मैं पूरी तरह से कह सकती हूँ ये शैतानी उन्हीं की है, माफ कर दीजिए ना, अभी वो बहुत छोटा है, नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा मुन्ना है ना, जीएमजी मुन्ना, तो बच्चे को माफ कर दीजिए
साथी क्या क्या क्रिएटिविटी बना दें आप भाई, वही कमाल और दवाल, वो बहुत सुंदर आपने बहुत अच्छा लिखा। धड़कन के सितारों ने वाकई अपनी एक पहचान, यहाँ हंसते मुस्कुराते छोड़ दी। और रीता दीदी जी भी बच गई डांट से, अधिकारी जी की डांट से। बहुत अच्छा लिखा, बहुत सुंदर लिखा धड़कन के सितारों, आपका नायाब संदेश हंसता मुस्कुराता और क्रिएटिविटी लिए संदेश बहुत बहुत पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद धड़कन के सितारों का हम अदा करते हैं, बहुत सुंदर संदेश आप सभी का। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। संदेश लिख रहे हैं हमारे साथी कि कल आपकी आवाज दूरदर्शन के, अच्छा चलिए पढ़ देते हैं, अब पढ़ना शुरू किया है तो क्योंकि हम तो ओपन करते ही संदेश को पढ़ना शुरू कर देते हैं। चलिए, आपकी आवाज़ दूरदर्शन के गुमशुदा तलाश में सुनी, जहां वहां भी आप बहुत कामयाब हैं, बहुत अच्छा लगा। और रेडियो धड़कन के जो कार्यक्रम है YouTube पर प्रसारित किए जाते हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं सभी साथियों से ये निवेदन करूँगा कि रेडियो धड़कन के जो कार्यक्रम YouTube पर प्रसारित होते हैं वो भी आप ज़रूर सुना करें, भले ही दोबारा सुना करें लेकिन बहुत आनंद आता है। और जब सुने हुए प्रोग्राम होते हैं उनको दोबारा सुने तो बहुत अच्छा लगता है, तो वहां भी आप कार्यक्रम को सुना कीजिए क्योंकि बहुत ही मेहनत के बाद वो कार्यक्रम डाले जाते हैं। किसी भी YouTube पर जब डाला जाता है तो पूरी एक प्रोसेस होता है, एक मेहनत होती है। तो सभी साथियों को अनुरोध करूंगा कि रेडियो धड़कन के सभी कार्यक्रमों का आनंद आप लाइव तो लेते ही हैं और YouTube पर भी जो कार्यक्रम आते हैं उनका आनंद लिया कीजिए, इससे सुनने में भी वैरायटी आपको मिलेगी और बहुत अच्छा लगेगा। और ये हमारे प्यारे साथी हैं जो इतनी मजेदार और काम की बात लिख करके दे रहे हैं। मजेदार बात यह कि उन्होंने दूरदर्शन में हमारी आवाज सुनी गुमशुदा तलाश में। गुमशुदा तलाश साथी सोच रहे होंगे क्या है, नहीं नहीं ऐसा कुछ मत सोचो, वो शॉर्ट में लिख दिया जाता है गुमशुदा तलाश। वो एक प्रोग्राम होता है ना जिसमें गुमशुदा जो लोग हो जाते हैं उनके बारे में जानकारी दी जाती है, तो दूरदर्शन और आकाशवाणी दोनों जगह से ये कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। तो दूरदर्शन का जो ये कार्यक्रम है उसमें मेरी आवाज हमारे इन साथी ने सुने, उसका इन्होंने जिक्र किया। साथी बहुत बहुत धन्यवाद वहां पर हमें ढूंढ लेने के लिए, और ये भी कहने के लिए हमारे साथियों को निवेदन करने के लिए कि YouTube पर भी कार्यक्रमों का आनंद लिया कीजिए। आप हमारे साथी हैं नाशिक महाराष्ट्र से विनायक धनेश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद विनायक धनेश्वर मित्र आपका। साथियों अभी तक जितने भी संदेश हमने पढ़े हैं उसमें वो जिक्र नहीं आया जिसका हम इंतजार कर रहे थे, तो कोई बात नहीं, वो इंतजार अभी हम पूरा किए देते हैं यहाँ, क्योंकि एक गीत हमने शेड्यूल किया हुआ है आप सभी को सुनवाने के लिए। एक बहुत ही सुंदर गीत है जो हम सुनवाने वाले हैं आज 24 नवम्बर, एक गुजरे जमाने के महान अदाकार रहे महिपाल। आप महिपाल सुनते ही आपको बिल्कुल उनका चेहरा भी सामने आ गया होगा, जो साथी पुरानी फिल्मों के शौकीन हैं उन्हें पता है तो उन्हें मालूम है ये बात। आज 24 नवंबर 1919 को जन्म स्मृति होती है अदाकार महिपाल की, जोधपुर में जन्मे थे अदाकार महिपाल, आज इनकी जन्म स्मृति है। 1942 में फिल्म नजराना से इन्होंने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की थी, इसके बाद अनेकों धार्मिक फिल्में और इसके बाद रोमांटिक फिल्में और कुछ फाइटिंग वाली फिल्में होती हैं वो भी बहुत सारी इन्होंने की है, और अंतिम फिल्म जो इनकी रही थी वो थी वर्ष 1984 में अमर ज्योति फिल्म। तो महिपाल की कुछ फिल्मों के नाम ज़रूर हम बताए देते हैं यहाँ पर। धार्मिक फिल्में बहुत सारी रही क्योंकि वो दौर उस समय का था, और इनके अलावा सुल्तान आलम, शेख चिल्ली, लाल यमन, खुलजा सिमसिम, हुस्न बानो, पत्थर के ख्वाब, अमर ज्योति, पूनम का चांद, नाग मंदिर, शाही रक्कासा, जंतर मंतर, बहुत सारी फिल्में, रूप सुंदरी भी एक फिल्म थी, सती सावित्री, बहुत सारी फिल्में रही। तो फिलहाल एक गीत महिपाल की फिल्म का आपको हम जरूर सुनवाएंगे यहाँ पर, बहुत ही सुंदर गीत है साथियों, और ये हम आपको सुनवाते हैं, ये पारसमणि फिल्म से ये नगमा है साथियों। तो सुनते हैं महिपाल अभिनीत ये बहुत ही सुंदर ओल्ड कोल्ड क्लासिक नगमा, युगल गाना है ये साथियों। तो लोग क्या कहेंगे, चोरी चोरी जो तुमसे मिली तो लोग
अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे। गली गली ये बात चली तो लोग क्या कहेंगे, गली गली ये बात चली तो लोग क्या कहेंगे। अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे। नशा सछाया है, करार होके ही दिल ने करार पाया है, हाँ करार होके ही दिल ने करार पाया है। धीरे धीरे ये बात बढ़ी तो लोग क्या कहेंगे, धीरे धीरे ये बात बढ़ी तो लोग क्या कहेंगे। अजी से प्यार कहेंगे, अजी से प्यार कहेंगे, अजी से प्यार कहेंगे। तुम्हारी मेरे दिल की बात कह डाली हो, कसम तुम्हारी मेरे दिल की बात कह डाली। छोड़ो छोड़ो ये दिल लगे के लोग क्या कहेंगे, छोड़ो छोड़ो ये दिल लगे के लोग क्या कहेंगे। अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे। दुआएं मांगी है, खताएं हमसे हुई है, सजाएं मांगी है, वफाएं की है सनम और वफाएं मांगी है, हाँ वफाएं की है सनम और वफाएं मांगी है। सोचेंगे हम न ये कभी के लोग क्या कहेंगे, सोचेंगे हम न ये कभी के लोग क्या कहेंगे। अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी बिल्कुल प्यार कहते हैं तो कहने दो, हम तो रोज रात 8 बजे मिलेंगे, 24 घंटे तो ज्यादा रहते ही, और 8 बजे विशेष रूप से हम जरूर जरूर और जरूर मिलेंगे। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। ये गीत अभी आपने सुना पारस मणि फिल्म से, गीतांजलि और महिपाल पर फिल्माया गया था, लता मंगेशकर मुकेश की आवाजों से सजा था ये गीत। आज महिपाल से जुड़ा दिवस इसलिए ये गीत विशेष तौर पर सुनवाया गया। कार्यक्रम में पढ़ते हैं आगे संदेशों के सिलसिले में। लिख रहे हैं हमारे साथी, परवाह करने वाला दोस्त, परवाह करने वाला दोस्त, दर्द समझने वाला पड़ोसी, इज्जत करने वाला रिश्तेदार और प्यार करने वाला परिवार, ये सब वो हीरे हैं जिनसे जिंदगी चकमकाती है। हमेशा अपनों की परवाह कीजिए, अपनी दोस्ती को मजबूत रखिए। साथ ही बहुत सुंदर बात आपने लिखी और हमें उम्मीद है कि आप भी ये बात जरूर से मानते होंगे, इसलिए आपने प्रेषित की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी सुंदर प्यारी बात प्रेषित करने के लिए, ऐसी अच्छी बात साझा करने के लिए। आप हमारे साथी हैं मोहम्मद सईद अब्बासी बुलंद शहर से। साथी बहुत बहुत धन्यवाद, छोटा सा प्यारा सा संदेश आपने लिखा, धन्यवाद।
पुरुषोत्तम शामतकर जुड़ चुके हैं कार्यक्रम से। इस संग में ज्योति शामतकर और चेतन भी उल्लास नगर से लिख रहे हैं कि रेडियो धड़कन का हर कार्यक्रम बहुत भाता है और संदेश प्रधान ये कार्यक्रम तो सबसे अच्छा लगता है क्योंकि साथियों के संदेश इसमें जो शामिल होते हैं, जो रोज शामिल नहीं हो पाता वो आज होता है, जो हफ्ते भर नहीं हो पाता वो आज होता है। और हमारे सभी साथी अपना दिल खोल के सभी बातें यहाँ पर करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। साथी बहुत बहुत धन्यवाद श्रोता साथियों के संदेशों को पसंद करने के लिए, कार्यक्रम की सराहना के लिए। पुरुषोत्तम मित्र आपका धन्यवाद। कार्यक्रम से जुड़ गए हैं साथी भाई को भाई लिख रहे हैं कि नमस्कार रेडियो धड़कन, बेहतरीन प्रोग्राम दिल से दिल तक, हम सभी को बहुत भाता है ये कार्यक्रम। मेरा गांव और जयंती भाई एक ही टाइम में लिख रहे हैं कि समय मिले या ना मिले हम ये कार्यक्रम सुनना मिस नहीं करते हैं। बहुत ही कभी ऐसा होता है, कोई बहुत ऐसा ज़रूरी काम है कि हमें मिस करना ही पड़ता है तब हम मिस करते हैं, और अन्यथा कभी भी मिस नहीं करते। श्रोता मित्रों को और भी और रेडियो धड़कन को हम शुक्रिया अदा करते हैं ऐसे बेहतरीन कार्यक्रमों के लिए और ऐसे प्यारे संदेशों के लिए, गीतों के लिए जो हमारे साथी लिख भेजते हैं अन्य कार्यक्रमों में और आज संदेश जो भेजे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो धड़कन भाई को भाई, आपका बहुत बहुत हम धन्यवाद आभार प्रकट करते हैं कि कार्यक्रम से आप जुड़ते रहते हैं, कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश पढ़कर सुनाते हैं, लिख रहे हैं नीता अग्रवाल जी, सादर नमस्कार। नमस्कार मित्र आपको भी। लिखते हैं दिल से दिल तक, में महान सिख गुरु धर्म के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर जी के बारे में गुरु तेग बहादुर सिंह के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर की पुण्य स्मृति है, इसी दिन उन्होंने हमसे अंतिम विदा ली थी। सिखों के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। आखिरी सांस तक धर्मांतरण के लिए खिलाफ लड़ते रहे। इस्लाम नहीं कबूलने की वजह से औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी का सर कटवा दिया था। तेग बहादुर जी की शौर्य गाथा आज भी सिख समुदाय और अन्य धर्म के लोगों को काफी प्रेरित करती है। वो सदैव अन्याय, जुल्म, अंधविश्वास के खिलाफ और मानव अधिकारियों के लिए लड़ते रहे थे। गुरु तेग बहादुर सिंह को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और साथ ही गुरु तेग जी को याद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज 24 तारीख है और गुरुद्वारों में भी खासी रौनक इन दिनों हमें नजर आती है, सुनाई देती है शब्द कीर्तन की आवाज़ें, और सुबह में भी कीर्तन सजते हैं। गुरु जी को हम याद कर रहे हैं उनके आज विशेष दिवस पर, और आपने ये जो जानकारी लेकर के दी बहुत अच्छा लगा। और जैसा कि हम कहते हैं कि इंस्टेंट कोई जानकारी हो तो जरूर आप लिख करके दिया कीजिए, जिससे कि ज्ञानवर्धन भी हो हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे साथी हैं जो इतना प्यारा जिन्होंने संदेश लिख भेजा और इतनी इस तरह की प्रेरणादायक बात, और इतने महान जो पुरुष रहे गुरु तेग बहादुर जी, उनसे जुड़ी बात साझा की, आपका आभार व्यक्त करते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हम कहते हैं। आप हमारे साथी हैं बन बघेरा राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा। सारवा मित्र बहुत धन्यवाद। साथियों एक गीत मैंने शेड्यूल किया हुआ है आपके लिए, एक बहुत पुराना गीत आज आपके लिए लेकर के आई हूँ। आपने सुना है कि नहीं, मुझे लगता है कि नहीं सुना होगा, तो बताइएगा जरूर कि आपने नहीं सुना या सुना। आबरू फिल्म से है, जो 1943 की फिल्म है, और ये गीत सुनवाने का विशेष सबब यूं कि सितारा देवी एक बहुत पुराना नाम, महान गायिका रही, अदाकारा रही, कथक नृत्यांगना रही, बहुत नाम था इनका सितारा देवी का। आने वाले कल 25 नवंबर को इनकी पुण्य स्मृति होती है, और इत्तेफाक की बात यह है कि नवंबर में ही जन्मी थी ये और नवंबर में ही अंतिम सांस ली इन्होंने। 8 नवंबर को जन्मी थी 1920 में कोलकाता में, और 25 नवंबर 2014 में 94 वर्ष की आयु में मुंबई में इन्होंने अंतिम सांस ली। आज इनको याद करते हैं, एक गीत इनका आपको सुनवा रही हूँ। आबरू फिल्म से 1943 की फिल्म है। अब आप सोचिए कि 1943 की जब फिल्म है तो गीत संगीत किस तरह का तब हुआ करता था, जाहिर है आज के जमाने से बिल्कुल अलग। सितारा देवी और नजीर अहमद की आवाजों में ये गाना है, तो सुनवाते हैं। हाँ संगीत गोविंद राम का है, और इस गीत को जिन्होंने लिखा है उनके नाम बताती हूँ। तनवीर नकवी, रज्जन स्वामी, रामानंद सरस्वती और हसरत लखनवी, इन सभी ने ये गीत लिखा है। तो सुनवाते हैं ये गीत, सुनते हैं आनंद लेते हैं इस गीत का।
सपना दिल्ली का है सपना मेरा लखनऊ का चुना दिल्ली का है सपना मेरा लखनऊ का चुना लाल बनेंगे होठ तुम्हारे जो कल होगा तुम्हारा लाल बनेंगे होठ तुम्हारे जो कल होगा तुम्हारा मेरे बाके सजीले जवान रे ले ले पान रे ले ले पान रे नाले तो मारूंगे नैनों के बाल रे मारूंगे नैनों के बाल रे मेरे बाके सजीले जवान रे ले ले पान रे ले ले पान रे अब पान वाली नहीं खिलाती तो मत खिलाओ मीठा देसी सादा पूना कैसा पान लगाऊं बोलो कैसा पान लगाऊं सादा पूना कम हो चुना सौंफ मुलठी वाला मीठा पान खिलाओ तुमको मीठा पान खिलाओ हाँ हाँ मीठा पान खिलाओ मेरे बाके सजीले जवान रे ले ले पान रे हाँ ले ले पान रे जग्गो पान तैयार है क्या बात है जी पान बिल्कुल तैयार है और तरह तरह के पान के नाम भी मीठा ऐसा वैसा सब कुछ गिना दिया इन्होंने और हमारा तो भाई पान खाने का मन कर आया है। पान वैसे बहुत उपयोगी रहता है पान का जो पत्ता है इसका अगर इसके बारे में आप जानकारी देखेंगे तो बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होता है पुराने ज़माने में ज़रूर ज़रूर से खाया जाता था अब तो हम यदा कदा ही खाते हैं और रोज़ की आदत पहले हुआ करती थी हमारे जो पुराने बुज़ुर्ग लोग हैं उनको हुआ करती थी लेकिन अब की पीढ़ी ही पान खाना इतना पसंद नहीं करती है लेकिन हाँ पान कभी कभार खाना चाहिए क्योंकि पान अच्छा रहता है सेहत के लिए और सर्दियों में तो ये खासम खास अच्छा रहता है तो पान खाइए स्वस्थ रहिए लेकिन हाँ वो बात ध्यान रखिए कि कहीं बस पान खा करके थूकना नहीं है ये बात जरूर जरूर ध्यान रहे साथियों तुलसी विवाह की शुभकामनाएं दे रहे हैं हमारे ये साथी सुशीला देवी मधुरकर सदानंद मधुरकर और कुमार कौरव मधुरकर डापकी रोड अकोला से लिख रहे हैं कि तुलसी विवाह की बहुत शुभकामनाएं और त्योहारों का मौसम तो अभी बिल्कुल गया नहीं है चल ही रहा है और नववर्ष भी बस आने को ही है साल कब आता है कब चला जाता है पता ही नहीं चलता बिल्कुल मित्र सदानंद आप ठीक कह रहे हैं कि कब वक्त आता है चला जाता है पता नहीं चलता है शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं अगला संदेश पढ़ते हैं लिख रहे हैं नीता बहन जी सप्रेम नमस्कार नमस्कार जी नीता जी कल हमने देव उठनी एकादशी तुलसी विवाह का पर्व मनाया हमारी छत्तीसगढ़ में इस पर्व पर गन्ने की का मंडप बनाया जाता है अच्छा गन्ने का मंडप बनाया जाता है इस दिन कद्दू का हलवा फरा रोटी खिचड़ी पीड़ी कंद सिंघाड़ा चना भाजी कद्दू जिमीकंद और कोचई की कढ़ी का बड़ा महत्व है अब साथ ही इतने इतने खानों के नाम लिख देते हो तो भूख लगाती है ना और इसमें से जो आपने कई नाम लिखे ऑफकोर्स हमें नहीं पता है वो सब चीज़ें हाँ जिमीकंद मुझे पता है सिंघाड़ा मालूम है चना भाजी हाँ कुछ समझ सकती हूँ खिचड़ी समझ में आ गई है कद्दू का हलवा यानी सीताफल शायद बोलते हैं तो वो नहीं पता मुझे खैर सब्जी तो पता है लेकिन फरा रोटी लेकिन भूख लगाइए यकीनन बहुत ही स्वादिष्ट ये सब व्यंजन होंगे ये हम जानते हैं बिल्कुल तो बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी भूख जगाने के लिए हमें और जानकारी देने के लिए ज्ञानवर्धन करने के लिए हमारे ज्ञान में इजाफा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आगे इनका संदेश है इस दिन हमारे यहाँ बंधु लोग हमारे गाय के गले में सुहाई पहनाते हैं हम उन्हें अन्नदान करते हैं और या तो वो बंधु गाजे बाजे के साथ घर गाँव के घर कर जाकर ये रस्म पूरी करते हैं आशीर्वाद प्रदान करते हैं और इस तरह से हम तुलसी विवाह का आनंद मनाते हैं कहा जाता है कि भगवान विष्णु पूरे 4 महीनों की निद्रा के बाद इस दिन उठते हैं इस दिन इसी दिन को इसीलिए देव उठनी एकादशी कहा जाता है इस दिन यानी तुलसी विवाह के बाद शादी विवाह और सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं हमने भी अपने पूरे परिवार के साथ तुलसी विवाह मनाया मैं अपनी तुलसी माता की फोटो भी भेज रहा हूँ जिसमें चमत्कार कहूँ या कुछ और आपको भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा नजर आएगी दिल से धन्यवाद आभार और वाकई हम प्रतिमा को देख रहे हैं बिल्कुल गणेश जी की प्रतिमा हमको नजर आ रही है और इन्होंने तुलसी जी को जो एक चुनरी है शायद वो ओढ़ाई हुई है लेकिन वो चुनरी ऐसे उड़ी हुई है और ये एक वाकई एक इत्तफाक है कि बिल्कुल वो गणेश जी की प्रतिमा ही लग रही है बल्कि फर्स्ट लुक में तो हमें गणेश जी की प्रतिमा ही लगी थी हमें लगा बात तो तुलसी जी की हो रही है तो गणेश प्रतिमा जी कैसे तो आपने अब ये बात बताई तो समझ में बिल्कुल हमारे आ
गया। तो बहुत अच्छी बात आपने बताई, खाने के नाम बताए और जो कुछ वहाँ होता है वो आपने बताया, बहुत अच्छा लगा। मित्र इसी तरह की जानकारियाँ भेजा कीजिए और विशेष दिवस से जुड़ी, और आपने ये जानकारी बिल्कुल लेटेस्ट इंस्टेंट भेजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे साथी हैं ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से झग्गर राम साहू बबलू, बहुत बहुत धन्यवाद मित्र आपका। संदेश मिला है जयंती खसिया का, गांव जैसन गुजरात से। लिख रहे हैं कि धड़कन के सितारों ने बहुत बड़ा चुटकुला भेजा और एक छोटा सा धन्यवाद हम जरूर करेंगे आपको। थैंक यू मित्र, थैंक यू, आपको भी धन्यवाद। कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं उदय भान पाल, विमलेश पाल, जयहिंद पाल और परिवार के सदस्य। रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड यूपी से लिख रहे हैं कि कार्यक्रम बहुत भा रहा है, श्रोता साथियों के संदेश कमाल धमाल, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, हर तरह के संदेश शामिल हो रहे हैं, कोई भाव विभोर कर देने वाला है तो कोई खुशियों से भरा है, हर तरह की बात यहाँ शामिल करवा रहे हैं हमारे साथी, बहुत अच्छा लग रहा है। उदय भान पाल मित्र बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस संदेश के लिए, श्रोताओं के प्यारे संदेशों को पसंद करने के लिए, कार्यक्रम को पसंद करने के लिए। हमारे एक साथी का संदेश प्राप्त हुआ है, आप हैं लिख रहे हैं कि इस्कॉन पंजाबी बाग के अंतर्गत वेस्ट पटेल नगर में महादीप दान का आने वाले कल आयोजन हो रहा है, तो मैं सभी साथियों को अनुरोध करूंगा कि जरूर जरूर इसमें शामिल हो, शाम 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक का समय रहेगा। ये एड्रेस भी हमें भेज रहे हैं साथी, हमने जानकारी आपने जो लिखी हमने दे दी है, और जो भी साथी आपको कनेक्ट करना चाहेंगे तो आपको कनेक्ट कर लेंगे। आप है गोवर्धन दास वेस्ट पटेल नगर से, इनका संदेश हमें प्राप्त हुआ है। तो साथी जो जाना चाहते हैं हमारे इन साथी को कनेक्ट कर सकते हैं। गोवर्धन मित्र कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें इनवाइट करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। अगला संदेश प्राप्त हुआ है कुलदीप गुप्ता का, उधौली बाराबंकी से। लिख रहे हैं संदेश के बीच में, संदेश तो बहुत अच्छे अच्छे होते ही हैं हमारे साथियों के, और जो रोज में भी गीत प्रसारित होते हैं, और आज के कार्यक्रम में भी विशेष तौर से जो गीत आरजेस चॉइस यानी आप जो पसंद करके हमें सुनवाती हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन आज जो मैं बात कहना चाह रहा हूं वो ये कि जो आज का खास तौर से कार्यक्रम है उसमें संदेशों के बीच में जो ये बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। कार्यक्रम के अनुरूप जो संगीत का जो चुनाव है, म्यूजिक सिलेक्शन है आपके द्वारा, वो बहुत अच्छा चुना जाता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। साथी एक बिल्कुल वाकई आपने अलग बात की है, हमारे साथी श्रोता साथी संदेशों के बारे में, गीत के बारे में जरूर जरूर लिखते हैं, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में कभी हमने कोई संदेश नहीं पढ़ा। तो आज आपने बिल्कुल अलग बात की है, और बहुत अच्छा लगा कि आपको जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो पसंद आया, और आपने लिखा है कि जो सिलेक्शन है वो कार्यक्रम के अनुरूप है, तो ये सबसे अच्छी बात है। आपने इस बात की समझ रखी कि कार्यक्रम के अनुरूप म्यूजिक सिलेक्शन का क्या प्रभाव होता है किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी चाहे वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म हो, फीचर फिल्म हो, छोटा सा प्रोग्राम हो, 1 मिनट का स्पॉट हो, 30 सेकंड का स्पॉट हो, उसमें म्यूजिक की जो अहम भूमिका होती है, चाहे वो रिकॉर्डेड प्रोग्राम ही हो या लाइव हो, तो ये आपने बात समझी, ये हमें बहुत अच्छी लगी बात। साथी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल एक अलग बात करने के लिए और सही बात करने के लिए, सटीक बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप गुप्ता मित्र आपका। अगला संदेश हरक राम पटेल का, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। लिख रहे हैं सादर नमस्कार नीता दीदी, सादर नमस्कार जी। लिख रहे हैं कि सभी संदेश भेजने वाले सभी धड़कन परिवार को धन्यवाद दे रहे हैं दीदी, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने प्यारे संदेश और इतने अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, सभी मित्र बिल्कुल परिवार जैसे एक दूसरे से जो बातें करते हैं मिलते हैं यहाँ इस माध्यम से, सुरीले माध्यम से, हमें बहुत अच्छा लगता है, और हमें बिल्कुल रोज़ इंतज़ार रहता है 8 बजे का कि कब हम गीत संगीत के जरिए, संदेशों के जरिए अपने साथियों से भी मिलेंगे और अपने आरजेज से मिलेंगे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी हरक राम पटेल मित्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम कार्यक्रमों को पसंद करने के लिए, रेडियो धड़कन को पसंद करने के लिए।
कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं प्रमोद बगाड़े कोयलासर नादुरा महाराष्ट्र से, लिख रहे हैं कि मेरा जन्मदिन था और आज चूंकि संदेशों का कार्यक्रम है तो मैं सभी साथियों को धन्यवाद जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत ही अमूल्य समय निकालकर सभी ने मेरे इस जन्मदिन के अवसर को और भी ज्यादा खास बना दिया और ये धड़कन ग्रुप परिवार बहुत ही अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ से जुड़ना क्योंकि यहाँ एक पारिवारिक जो मेल मिलाप होता है एक बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम अपने परिवार में आकर के बैठे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और इतना प्यार मुझे दिया मेरे जन्मदिन के दिन, मैं अपने सभी साथियों का और रेडियो धड़कन का विशेष तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही आपको भी शुक्रिया बर्थडे शेयर करने के लिए अपनी बर्थडे डेट, और हमने तो बधाई भाई बिल्कुल दी और अभी भी दे देते हैं, आप भी बर्थडे क्या देते हैं आपको। प्रमोद बगाड़े मित्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों यहाँ आपको एक गीत और सुनवा देते हैं आज के कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति, यानी कि गीत के रूप में जो अंतिम प्रस्तुति, इसके बाद देख लेंगे कोई संदेश, अगर हमें चेक कर लेंगे कोई संदेश रह तो नहीं गया तो वो संदेश भी हम शामिल करेंगे। और ये गीत आपको सुनवाते हैं, सुनिए एक धमाकेदार गाना ढोंगी फिल्म से।
बीच में आए तेरा घूंघटा, बीच में आए तेरा घूंघटा, हे चांद घटा से निकले कोई उठाए तेरा घूंघटा, आए रे आए तेरा घूंघटा। ढोंगी फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। साथियों, जितने भी संदेश आप सभी ने भेजे थे, साथियों ने वो सभी संदेश शामिल हुए हमेशा की तरह। सो आपको भी बधाई और हमें भी बधाई। इन्हीं संदेशों, इन्हीं गीतों के साथ आज का दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव शो अब समाप्त होता है। अपने मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दें। नमस्कार।